वेलकम टू माई चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग पार्ट टू। पेंटिंग के लिए हमें ब्रशेस, कलर्स, एक ग्लास पानी और ब्रशेस को साफ करने के लिए कपड़ा चाहिए। डार्क पिंक और वाइट को मिक्स कर मैंने लाइट पिंक कलर को फॉर्म किया है। सबसे पहले हमने कपड़े के ऊपर फ्लावर को ड्रॉ करना है। फ्लावर को रियलिस्टिक लुक देने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर, जो अभी मैंने आपको दिखाया कैसे फॉर्म किया है, उसको यूज़ किया। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश विथ साइज 0 का यूज़ कर रही हूँ। पेटल्स को पेंट करते टाइम आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पेटल को ओवरलैप किया है सो दैट कि हमको फ्लावर के अपर पेटल में थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी दिखे और उस स्पेस में हम डार्क पिंक कलर को यूज़ करेंगे। इसी टेक्निक से मैंने 3 पेटल्स में उनकी अपर पार्ट में एम्प्टी स्पेस को क्रिएट किया है। लाइट पिंक कलर से हमने पेटल्स को अच्छी तरह से फिल करना है और बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस राउंड में छोड़ते जाना है। अभी सबसे पहले मैंने ब्रश को पहले कपड़े से क्लीन किया और फिर थोड़ा सा ब्रश के ऊपर डार्क पिंक कलर को लेकर उन एम्प्टी स्पेसेस में फिल करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप ब्रश को चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर राउंड ब्रश विद साइज 0 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर के पेटल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैंने डार्क पिंक कलर का यूज़ किया है। डार्क पिंक कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर को भी ब्लेंड किया है। ब्लेंडिंग को हमने अच्छी तरह से करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ब्रश को हमने टाइम टू टाइम कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट हमने ब्रश के ऊपर वाइट कलर लेना है। यहाँ पर फ्लैट ब्रश विद साइज 0 का यूज़ होगा। ब्रश की टेक्निक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रश आपने पेटल्स की आउटर बाउंड्री पर रखना है और उसको इनर बाउंड्री की तरफ पुश करना है। और इसी सेम टेक्निक से हम सभी पेटल्स को वाइट कलर से पेंट करेंगे। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग फॉर बिगनर्स के लिए मैंने एक कम्प्लीट सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं जो पार्ट 1 है। उसमें मैंने कुछ बेसिक टिप्स बताई थी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बुक की तरह वर्क करेगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं पेंटिंग रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग पार्ट 1 आपको वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने डार्क पिंक कलर को फ्लावर के सेंटर में भी यूज़ किया है। आज की इस पेंटिंग में मैंने सिर्फ 3 कलर्स का ही यूज़ किया है, डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक कलर और वाइट कलर का। और आप देख रहे हैं ये फ्लावर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लीव्स को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर सैप ग्रीन कलर और वाइट कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश साइज 0 का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले लीव के फर्स्ट पार्ट में हम ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट में वाइट कलर को, और फिर दोनों कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। इसी सेम टेक्निक को हम सभी लीव्स में यूज़ करेंगे। ये एक बेसिक टेक्निक है
और इससे आपकी लीव्स बहुत सुंदर भी दिखाई देती हैं। आप इधर वाइट कलर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सैफ्रन कलर से भी आपकी लीव्स उतनी ही सुंदर दिखाई देंगी। इधर आपने लीव्स को कर्व अच्छी तरह से देना है, नहीं तो आपकी लीव्स अच्छी नहीं लगेंगी और ये रियलिस्टिक लुक भी नहीं देंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने इस पेंटिंग में हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस पेंटिंग में जो भी कलर्स का यूज़ हुआ है उनकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने उधर भी एक डिटेल पार्ट में हर चीज़ को बताया है, आप उसको चेकआउट करना मत भूलना। लास्ट में मैंने फ्लावर को कंप्लीट लुक देने के लिए उसके अराउंड छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स को फॉर्म किया है। इन वाइट फ्लावर्स को फॉर्म करने के लिए मैंने राउंड ब्रश साइज 0 का यूज़ किया है। वाइट फ्लावर और मेन फ्लावर को मैंने ब्लैक डॉट से कंप्लीट एंडिंग दी है। लीव्स को एंडिंग देने के लिए मैंने उनके सेंटर में ब्लैक लाइन को पेंट किया है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।